गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि विधि को दाल चावल खाना है। और साथ में बनाऊंगी बाजरे की रोटी टमाटर का भरता। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, दाल को मैं धो रही हूँ, तो दो तीन बार मैं अच्छे से दाल को वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, तो उसको अच्छे से धोकर और फिर उसको कुकर में लगाना है। उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो बस जल्दी से बना लेते हैं लंच। और उसके बाद मुझे कुछ आपको दिखाना है, मतलब मैं जो शॉपिंग की है मैंने, कुछ ऑनलाइन और कुछ मार्केट से लेकर आई थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे आपको दिखाना है, तो वो मैं दिखाऊंगी। साथ ही साथ मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे किसी के बारे में, तो फिर वो भी मैं करूँगी। तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम। और उसके बाद दिखाऊँगी आपको वो सारा सामान जो मैं लेकर आई थी, और साथ में फिर मैं करूँगी आपसे बात। तो अंदाजे से मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डालकर कुकर लगा दे रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि हल्दी मैंने कटोरी में ऐसे डाली है, क्योंकि मसालेदानी को खाली करके मैंने धो दिया था, बहुत गंदी हो गई थी। और थोड़ा सा टाइम था दाल रखने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं बीच में ये काम कर लूँ, क्योंकि फिर मसाले चाहिए होते हैं और मसालेदानी में जो ना हो तो फिर हमें वहीं से लाने पड़ते हैं जहाँ पर रखे होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मसालेदानी हमेशा ही भरी रहनी चाहिए मसालों से। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ छौंक की तैयारी। तो मैंने घी डाल दिया है, थोड़ी सी हींग, राई, जीरा और हरी मिर्ची डालूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी पानी, क्योंकि है ना, जो पानी हम दाल में डालते हैं वो यदि कच्चा पानी डाल देते हैं ना, तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जितना भी पानी डालना है वो मैंने डाल दिया है और तुरंत ही ढक दिया है, जिससे कि छौंक का जो धुआं है वो बाहर ना निकले। उसके बाद डाल दिए हैं सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक, जितना भी डालना है वो डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इसको उबलने देंगे अच्छे से, और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब इसमें हम वो दाल डाल देंगे उबली हुई, और फिर उसके बाद हमें अच्छे से पकाना है। तो इस तरह से मैं अपनी दाल बनाती हूँ, जो डेली मैं सादा बघारती हूँ वो ऐसे ही बघारती हूँ। और अगर कभी इसके बाद भी दाल गाढ़ी हो जाती है तो फिर मैं उबला हुआ पानी ही इसमें मिलाती हूँ। तो बस इसमें डाल दी है धनिया पत्ती और दाल हमारी बनके रेडी है। और आप इस तरीके से भी कभी ट्राई करना छौंक लगाकर, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। और सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर बन गया है मेरा खाना, बाजरे की रोटी, टमाटर का भरता, दाल, चावल और चटनी। तो आ जाइए सब लोग खाना खा लीजिए। हम लोगों को भी बहुत तेज़ भूख लगाई है, तो मैंने अपने और विधि के लिए थाली लगा ली है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो आपको शॉपिंग दिखाएंगे और बात भी करेंगे। तो चलिए, जो सामान मैं लेकर आई थी वो मैं दिखा दूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं विधान के कपड़े, क्योंकि उसके सारे कपड़े छोटे हो गए थे पिछली गर्मी के, तो अभी इसको कपड़े लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, बिल्कुल भी इसके पास नहीं थे, सारे ही छोटे हो गए। तो फिर मैं लेकर आई हूँ कुछ कपड़े। तो सबसे पहले तो देखिए, ये लोवर है। तो घर में जैसे हाफ पैंट वो पहन लेगा, पर कहीं बाहर जाने के लिए तो लोवर की ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये अच्छा है, इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है। और ये है, तो ऐसे ही मैं और भी दो लाई हूँ। तो ये इसी टाइप से एक ये है, तो इसी टाइप में एक ये है, दोनों ही एक जैसे हैं, बस कलर ही अलग है। और एक ये ग्रीन है। तो ये मैं तीन लोवर लेकर आई हूँ। और ये है ट्राउज़र, तो एक ये है, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा ही पहले था विधान का, पर वो छोटा हो गया, तो मैं उसी टाइप का फिर ले आई हूँ एक और। तो ये और एक और है, तो ये वाला कलर है इस टाइप से। और ये एक विधि के लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए प्लाजो टाइप से है ये, तो घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्ट है, कपड़ा भी अच्छा है। और यदि इसको अच्छा लगा तो ऐसे ही और लाऊंगी फिर, लेकिन पहले ये पहन के देख लेगी, उसके बाद ही मैं ले आऊँगी फिर। और विधान के लिए कुछ टी शर्ट ली है, तो ऐसे एक ये है, और सारे कलर थोड़े से अलग लिए हैं, क्योंकि कलरफुल कपड़े बच्चों को अच्छे लगते हैं इसलिए। तो एक ये है रेड और ब्लैक में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ब्लू है, थोड़े से बड़े हैं ये, मगर मैं बड़े ही ले आई थी, क्योंकि पिछली बार के तो सारे छोटे हो गए, तो इस बार के कुछ टाइम चल जाए ये सोचकर। ये एक येलो कलर में है और एक है ये वाला। तो ये पांच टी शर्ट हो गई, और ये
पेंट ये मैंने कराई थी, और उसके बाद मिलाई थी किचन का सामान कुछ, तो एक ये है कप होल्डर कप रखने के लिए, तो ये मुझे बहुत दिन से चाहिए था। और जैसे वो कप रहते हैं तो इकट्ठे हम 12 कप इसमें आराम से लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी होती है, सामने ही रखे रहेंगे तो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मैंने इसलिए लिया है। तो एक ये ले लिया है और एक ये है सैंडविच मेकर। लाइट पता नहीं क्यों कम हो जा रही है अपने आप। ये है एक सैंडविच मेकर, इसमें एक लॉक भी है लगाने का, और ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये। तो ये है ना ऑनलाइन में भी मिल रहा था, लेकिन मैं गई थी तो फिर मैं ले आई, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है, मुझे लगा उससे भी कहीं ज़्यादा ये मजबूत है, तो इसलिए मैं ले आई थी। और पैसों में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, कम ही का होगा वहाँ की अपेक्षा, तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि पूरा गैस ख़राब हो जाता था। जैसे हम सैंडविच बना रहे हैं, विधि को वो पसंद ही है, तो फिर सारा ही गैस ख़राब हो रहा है, सारा ही तवा ख़राब हो रहा है, उसके वो क्रम्स पूरे में गिर जाते थे ब्रेड के, तो इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया था। इससे अच्छे से बन भी जाता है तवा, तो सारा ही जल जाता है, उसकी वजह से चारों तरफ जल जाएगा और ऑयल ऑयल हो जाता है, तो छुटाने में भी दिक्कत होती है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये मिल आई थी। तो कुछ सामान जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो वो भी आ गया है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और कुछ आना है तो वो आ जाएगा, क्योंकि भले ही हम एक साथ ऑर्डर करें लेकिन आता तो वो मतलब अलग अलग टाइम पे है, क्योंकि अलग अलग जगह से आता है तो टाइम भी इसमें अलग ही अलग लगता है, तो इस वजह से। तो चलिए मैं वो जो आ गया वो बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये ब्लाउज देखिए, रेड कलर का है। वैसे मैंने एक दूसरी डिज़ाइन का ब्लाउज मंगवाया था, ये नहीं मंगवाया था, तो वो भी रेड था, ये भी रेड है, और इसकी भी डिज़ाइन मुझे पसंद आई है, तो मैंने फिर वापस नहीं किया है, नहीं तो मैं वापस करती, क्योंकि जो मंगवाया था वो नहीं आया है, मगर ये मुझे फिर भी ये भी अच्छा लग रहा है और कलर वही है, तो फिर मैंने रख लिया है। तो एक ये ब्लाउज ही, ये देखिए ये बैक में है, ये स्लीव्स हैं, और ये सामने से है, ये कुछ इस तरीके से, इसमें ब्राइटनेस कम हो रही है अपने यहाँ, तो ये देखिए ये सामने से है। तो ये मैंने ब्लाउज मंगवाया है, और मैंने पिछले अभी कुछ टाइम पहले जो मैं लेकर आई थी वो 6 पार्टी सब में जो फाइबर का डब्बा था जो मैं लेकर आई थी बॉक्स, तो मैंने फिर ये वाला भी मंगाया है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा सामान हम रख सकते हैं, पर जैसे ये अरिंग वगैरह रखना है सेपरेट, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने ऑनलाइन लिया है। अब इसके लिए थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी ताकि आपको देख सके अच्छे से। तो ये देखो ये, और इसकी पता है खूबी क्या है, इसमें इतनी सारी ये बॉक्स है, और साथ ही में यदि हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये निकाल लिया है तो इस बॉक्स में स्पेस ज़्यादा हो गया, मतलब वो छोटा था ना तो ये ज़्यादा हो गया, और अब हम चाहें तो इसको आसानी से लगा भी सकते हैं ऐसे। तो ये है ना, ऐसे बहुत सारे सभी ऐसे हैं कि सारे ही निकाल लो और लगा लो, जैसा स्पेस आपको चाहिए है आप उसका यूज कर सकते हैं, और ये आसानी से बंद भी हो जाएगा और एयर टाइट भी है। तो जैसे हमारी कोई ज्वेलरी है ना तो उसमें कहते हैं ना हवा नहीं लगना चाहिए, हवा लगने से उसका रंग उड़ जाता है, तो ये उसकी सेफ्टी के लिए भी है। तो एक ये बॉक्स मैंने लिया था, है ये तवा, ये दूसरा तवा है वो जिसकी भी ज़रूरत थी, और जो मेरा पहले का था उसकी सारी कोटिंग निकल गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी डोसे वगैरह, तो ये वाला तवा फिर मैंने लिया है, मतलब ऑनलाइन मंगवाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी है इसकी क्वालिटी भी, तो एक ये मंगवाया था, और एक है ये अप्पे का सांचा, तो ये विथ लिड आया है अप्पे के साथ, तो एक ये मंगवाया था। इसके सूजी के और साबूदाना के अप्पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब था नहीं तो बना नहीं पा रही थी, और लेने का कोई मौका सा ऐसा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये वाला मंगवा लिया फाइनली। तो अब मैं आपके साथ अप्पे की रेसिपी भी शेयर कर पाऊँगी, तो ये मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है जो कि कह सकते हैं आपके यूट्यूब के सफ़र में मेरी हम सफ़र हैं वो, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो उनके चैनल का नाम है जिया ज्योति ब्लॉग्स, और ज्योति जी मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने जो एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने अपनी मजबूरियाँ बताई थी जिसकी वजह से आप रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हैं वो, तो मैंने जब वो आपका वीडियो देखा मैं तभी आपको मतलब ये सब ये वीडियो आपके बारे में बनाना चाहती थी, आपके बारे में बोलना चाहती थी,
लेकिन मैं तब नहीं बोल पाई, थोड़ी सी मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी उस टाइम पे। और मैंने उसके बाद मेरी जो वीडियो आई थी वो फंक्शन की थी, तो उस टाइम कोई मौका नहीं मिला कि मैं कुछ बात कर पाती। तो मुझे अभी टाइम मिल रहा है तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो ज्योति जी, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपके यहाँ एक ही मोबाइल है जिसकी वजह से कि आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हैं, तो उसमें आपकी बेटी भी पढ़ती है, बेटा भी वो चलाता है, तो इस वजह से तो कोई बात नहीं है डियर कि आप नहीं डाल पा रही हैं रेगुलर ब्लॉग। क्योंकि जो जिनके ब्लॉग चलने होते हैं, जिनके वीडियो अच्छे लगते हैं लोगों को जो देखते हैं, वो चाहे हफ्ते में एक आए चाहे 15 दिन में एक आए, लोग देखते हैं। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रेगुलर ही डालें। आप प्रॉब्लम में हैं फिर भी आप डालें, नहीं, जब आपको टाइम मिलता है आप तब डालिए और जिसको देखना है वो देखेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके कुछ फ्रेंड हैं जो कि आप उनके वीडियो पर कमेंट नहीं कर पाती हैं, तो वो भी नहीं आपके चैनल पर आती हैं, आपकी वीडियो वो भी नहीं देखती हैं क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रही हैं, तो वो समझती हैं कि आप घमंडी हैं और वो आपको नहीं देखती हैं। तो डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो इन शर्तों के साथ आपके चैनल पर आ रहे हैं कि आप भी उनके चैनल पर जाएं, आप भी उनके वीडियो पर कमेंट करें तभी वो आपके पर करेंगी, तो ये एक समझौता होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग हमसे बोलते हैं कि आप हमारे चैनल पर आइए, मुझसे भी बोलते हैं और मैं जाती भी हूँ, और जो भी मेरे मतलब आता है मेरी वीडियो पर और बोलता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं जाती भी हूँ उनकी वीडियो पर। लेकिन अगर मुझे उनकी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं दिखती है, देखने लायक नहीं मिलती है या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ कुछ सीखने लायक है, कुछ देखने लायक है, तो फिर मैं दोबारा नहीं जाती हूँ, भले वो मेरी वीडियो देखें या ना देखें, मैं नहीं जाती हूँ। तो वही चीज़ आपके साथ भी है कि आप अच्छा कर रही हैं तो आपकी ऑडियंस बन जाएगी। आप कोई समझौते पर आप मत कीजिए कि आप तभी वो आपके देखें जब आप उनके देखें, जिनको देखना होगा वो देखेंगे। आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी यूट्यूबर सबके वीडियो तो नहीं देखती है ना जो उनके देखते हैं, तो बस ऐसा ही है। और आपने बोला कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आपको वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने बोली। तो आप पढ़ी लिखी नहीं हैं लेकिन आप ऐसा काम कर रही हो जो काम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। आप इतने अच्छे से कैमरा फेस कर रही हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं कर पाते हैं, आप करती हैं। आप अपनी बात बोल पाती हैं कैमरे में तो आप कर सकती हैं, आपको पता है आप कर सकती हैं, तभी शायद आप कर पाएँ। आप पहली बार ही कैमरे पर नहीं आ पाती यदि आपके पास का नहीं होता तो। तो डियर, आप कीजिए, आप बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने कहा कि आपके पिताजी शांत हो गए थे 1 साल पहले। हाँ, मुझे पता है, मैंने वीडियो के थ्रू देखा है कि ख़त्म हो गए थे, उस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती हैं। तो डियर, किसके माँ बाप ज़िंदगी भर साथ रहते हैं? किसी के भी नहीं। आपके अभी तक रहे वो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आप उनको याद कीजिए, लेकिन इतना दुखी मत होइए। मैं अपनी कहूँ तो 16 साल हो चुके हैं मेरी माँ नहीं है, और मुझे भी उनकी कमी लगती है, और उनकी कमी तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं वही कर रही हूँ और वही मैं आपसे कह रही हूँ कि उन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़िए। आपकी गृहस्थी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप उनको देखिए। और अब आप यूट्यूब में आ गए हैं तो आपकी यूट्यूब फैमिली भी है, तो आप उसको देखिए, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना काम कीजिए, बिल्कुल भी दुखी मत होइए। और आपने कहा कि आपने बहुत परेशानी में अपना बचपन काटा है, बहुत दुख झेले हैं, तो हाँ डियर, ये बात तो मैं मानती हूँ कि जैसा आपने बताया आपने बहुत दुख देखा है, बहुत ही तकलीफें झेली हैं, तो अब वो तो जो बीत चुका है अब आप उसको भी आप भूल जाइए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है जो हो चुका। और जो हमारे दुख दर्द होते हैं ना पुराने, उनको याद करने से केवल हमें दुख ही होता है, केवल हम अपनी तबीयत ही खराब करते हैं, उससे कुछ अच्छा नहीं होता है। तो आप उन सब चीज़ों को भी बिल्कुल याद मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप अपने काम को देखिए। और आपकी इतनी प्यारी बेटी है जिया, जो कि आपको इतना सपोर्ट करती है, तो आप उसको देखिए, आप देखिए कि वो आपके लिए कितना करती है। तो आप जितना कर पाती हैं आप उतना करिए, बाकी तो वो कर ही देती है। और आप कर देखते देखते भी एडिटिंग सीख जाएंगी, भले ही आप नहीं जानती लेकिन आप सीख जाएंगी। तो डियर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और आप आगे बढ़िए, भगवान आपकी मेहनत ज़रूर देखेगा। हम लोग मेहनत करते हैं तो वो मेहनत ज़रूर देखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि मेहनत का फल ना मिले। तो आप बस अपना काम कीजिए और खुश होकर कीजिए, और जब आपको टाइम मिलता है तब कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं और आपके साथ ही हैं। और जो आपकी यूट्यूब फैमिली है वो आपको ज़रूर देखेगी, चाहे आप बहुत दिन में वीडियो डालें चाहे आप रेगुलर डालें,
आप चाहे गाना डालें वो भी हम लोगों को अच्छा लगता है, आप जो बात करती हैं वो भी लगता है, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाती, आपको इतने बंधन है कि आप इतनी चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, या इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप अपना जो चाहती हैं वो नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन जो आप दिखाती हैं वो भी बेस्ट है। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे आपकी कुकिंग अच्छी लगती है, मैं देखती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, बस मैंने तो जो कुछ भी था कहना था वो कह दिया, क्योंकि कमेंट के थ्रू मैं क्या क्या बोलती, कितना कुछ मैं लिखती, तो इसलिए मैंने वीडियो में ही बोलना ठीक समझा। तो डियर, हम सब आपके साथ हैं, आप वीडियो बनाइए और बिल्कुल दुखी मत होइए, आप हमारी फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगी। तो ज्योति जी आपके लिए, और बस। तो फिर अब मैं करती हूँ यहीं पर वीडियो को भी एंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।